जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्थायी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है, उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जा करके श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए, हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। पारस चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा, अस्थायी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेन्द्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहाँ देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि ना होती है और ना ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देवशास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर 2.5 द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहूति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। हिनाले में देवादेव अरण देव का खुला समुसर चल रहा है, जो अंदर है वो बाहर है। यहाँ किसी का तंत्र मंत्र टोटका चल नहीं सकता है, समझ लेना। जब तुम इस मर्यादा से, इस शुद्धि से, वासना से तुम अपने घरों में भक्तियाँ करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो तंत्र मंत्र का तुम्हारे घरों में भी नहीं चलेगा, समझो। एक बार
जब पारस शुरू में आए थे एक परिवार पर आपत्ति आई थी। जब आपत्ति आई, जब उसको धमकी दी गई, तो पूरा परिवार डर के भाग के यहाँ आ गया कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे वहाँ मूठ बेच देंगे। मनुष्य में ताकत कितनी होती है, वो भाग कर लौट कर यहाँ आ गया। पारस के गेहुल ने को उसने सारी बातें बता दी। पारस का घुल्ला कहता है, बेकार घबरा गए तुम, घर में रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। पास का घुल्ला और अपनी अपनी गाई भूल दी थी, है उसको भी अपनी पर विश्वास है। कुछ जिंदीप का भक्त होता उस पर ऐसा हो नहीं सकता। जब समूसण में पहुंचा, उससे लोगों ने अपनी घबराहट में अपने आंसू बहाते हुए बात की, पूरा परिवार खड़ा हो गया। पारस ने कह दिया, किसने भी पत्थर फेंके जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मूठ आएगी तो अस्पर वहीं टंगी रहेगी। तुमको जाना है, जाओ, घबराओ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम पड़े रहना अपने मकान के अंदर, छत पर जो होगा होने दो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं घबराना, उसको पटकने दो। समझो जो ऐसा करेगा उसकी वो दशा होगी कि तुमको रहम आ जाएगा। समझो, वो अपने विश्वास पर चले गए, अपने मकान में रह जाके रात में पत्थर फेंके, बड़े बड़े पत्थर जो एक आदमी पर उठते नहीं है, लेकिन छत का कुछ नहीं। इसके बाद मूठ भेजती तो मूठ अत पर टंगी। जब सवेरे उठते हैं तो देखते हैं, क्योंकि उनको निद्रा दे दी पारस ने, सुबह लेट सो गए, उनको कोई आवाज ही नहीं आई। जब सवाई उठते हैं तो देखते हैं ग्रामवासी, क्यों कहो जब तो मुंह टंगी तुम आए थे, हैं ये सब कुए जी ने मुंह से तई टांगते हैं। सारे ग्रामवासियों ने देखा, मूठ इधर की उधर नहीं हो पाई, 7 दिन तक मूठ टंगी रही। उस 7 दिन के बाद छत पे गई तो छार छार। जिसने ऐसा किया वो कांटे वाले वृक्ष से ऊपर से नीचे गिरा, उसका पूरा धड़ टूट गया। और धर्म टूटने से तलब तलब कर चला गया। जो अहित काम करता है उसको ऐसा ही होता है, जो हित के काम करता है वो कभी खतरे में नहीं जाता है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। समझो, तो तुम बंधु जब इनकी शरण में आ गए हो, इनकी शरण में आके अपनी भक्ति करोगे, इस भरत क्षेत्र के अंदर किसी तांत्रिक कितना भी ज्ञानी कुछ भी हो, तुम पर कोई चलायमान नहीं हो पाएगा। समझो,
तुम्हारे मकान से जाने कितनी दूर देखेगा। यहाँ के रास्ते अलग हैं, समझो। यहाँ के रास्ते कैसे हैं? उन्होंने भगवान को मस्तक झुकाया है, उनने तो तुमको भी भगवान का मस्तक झुकवाते हैं, और किसी के पास मस्तक झुकवाने के लिए नहीं कहते वो। हाँ, तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ है, ये व्यवहार है, तुम उसको झुका सकते हैं, रिश्ते हैं तुम उनमें झुका सकते हो, लेकिन और अन्य स्थानों पर नहीं झुका सकते, न झुकने दे। भी किसी को नहीं मानते भगवान के सिवा, किसी को नहीं मानती, कैसी भी देव देवता क्यों ना, कितनी शक्तिवान हो, क्षण में धड़का धड़ कर देती है, समझो, पता नहीं पड़ता। एक ही क्षेत्रपाल कि उसमें सारे हक जाते हैं, एक छात्रपाल में इतनी ताकत होती है, अकेले भगा देता है सब। तो बंधु, जब धार्मिक थी तुम बन जाओगी, सत्यता पे भगवान के पास झुक जाओगी, तुम्हारे पास में बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा, वाणी को संभालते रहना। इसलिए बंधु, हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा होगी, समझो। तो तुम्हारे टोड़ी वाले बाबा, टोड़ी का भक्त वही है कि टोड़ी के रास्ते पर चलते, ये मत कहना टोड़ी में रहने वाला टोड़ी वाला कहलाएगा, नहीं जाने का है, वो टोड़ी में नहीं है, जब टोड़ी के रास्ते पे नहीं है वो टोड़ी वाला नहीं है, समझो। जो इसके उनके रास्ते पर है वो टोड़ी वाला है, तुम बाहर के हो इनके रास्ते पर हो तो तुम टोड़ी वाले हो। देखो, जब तुम एक दूसरे कहीं मिलते हो, कितने उससे मिलते हो बताओ, सत्य के सत्य बड़े उत्साह से मिलते हो, ऐसे मिलते हो जैसे सालों से मिले हो, समझो। इसलिए बंधु, आज के बाद में जो इनके रास्ते पर चलता है वो सच्चा भक्त है, जो इनके रास्ते पर नहीं चलता वो सच्चा भक्त नहीं है, समझिए। तब उस भक्त की हमें काल से रक्षा हो जाएगी, अनेक प्रकार, समझो। तो मैं एक और बताता हूँ, एक बालक था, उसने 6 माह तपस्या किया अपने बहन के पीछे। जब वो घर गया तो मर्डर में फंस गया, खाने बैठा पुलिस आ गई, तो वो क्या कहता है सुनो, अभी हम टोड़ी से आए हैं, खाना खाने बैठते जा रहे हैं, मैंने 3 दो का मर्डर किसका किया, देखो आप झूठ बोले तो तुम्हारे फीता उजक जाएंगे। टोड़ी वाले बाबा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है टोड़ी वाले बाबा, तुमने टोड़ी वाले बाबा को नहीं देखा अभी, पुलिस वालों से कहता है वो लड़का, समझिए। लेकिन नहीं मानते, ले जाते वहाँ स्थान पर खड़ा करते, जब खड़ा होता है तो न्याय करने वाला रजिस्टर उठाता है, तो उसका नाम चौपट, बंधुओं उसका नाम रजिस्टर में नहीं है, बोलो, न्याय करने वाला बोलता है अधिकारी से, इसको जो पकड़ के लाए इसका नाम कहाँ है, तुमने दर्ज कहाँ किया, बोले साहब जी मेरी फाइल है जो आपको दी है, ये एक फाइल है, देखो ना, तुम जो फाइल ले तुम देखो अपनी में,
जब उनने फाइल को देखा तो उनकी फाइल गोल, उसकी फाइल में गोल हो गया नाम, पसीना आ गया। समझो पसीना आ गया तो लड़का कहता रहता है आप न्यायाधीश पर बैठे हैं, सच्चा न्याय देना, और सच्चा न्याय दे दो तो कुर्सी से गिर पड़ोगे। देखो इसकी हिम्मत किसने बढ़ा दी, टोड़ी वाले बाबा ने। जब न्यायाधीश उस सरदार की वर्दी उतार लेता है, उस चट्टी बनियान में भगा देता है, सस्पेंड करके लूटता है, जितने खाए सब चले गए। ये बंदियों टोड़ी वाले बाबा हर प्रकार से बचा लेते हैं, यदि झूठ हो तो सब जगह से बचाते हैं। इसलिए तुम इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना, समझ लो तुम, खाने पीने में नहीं पढ़ना है, त्याग में पढ़ना है, सत्यता में पढ़ना है। इसलिए मैं जितना कह सकता हूँ उतने ही मैं कह दिया कि बस भी तुम्हें प्यारी तुम उन्हें प्यारी हो जाओ, समझाओ दोनों का बैर के मिल जाए तो तुम्हारा काम सब बन जाएगा। तो इस गृहस्थ जीवन से समझो तुम्हें वैराग्य दिखा दूंगा, तो तुम्हारा वैराग्य तुमको दिख जाएगा। समझिए, और तुम्हें देखकर कई लोग फिर तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे। अभी भी कई लोग यहाँ भक्ति करते हैं अपने अपने घरों में, चारों तरफ अपना भक्ति से काम बनाते, समझो आती काम, लेकिन श्रद्धा भाव से करते हैं। इसलिए बंधु समझिए, आज जो मैं देख रहा है कभी देखने को नहीं मिलेगा, आगे भी कहीं देखने को नहीं, जो कुछ मिलेगा यहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, समझिए।